हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के अंदर इंक्लूड होता है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर ले लो, भले उसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कहीं ना कहीं मोल का यूज़ करते ही हो, तो ये बेसिक चैप्टर है, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट रहता है आपके, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे डाउट आपके क्रिएट होंगे। ठीक है, तो हम इसको पूरा का पूरा बेसिक से और एडवांस तक समझेंगे, ताकि आपको उसमें कोई भी डाउट ना रहे और आप मोल कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सको। राइट, सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, और हमें मोल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम इस डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, जो हमें चीज़ें बेसिक चीज़ें समझनी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। चलिए, सो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट में, मोल की कि मोल होता क्या है, व्हाट इज मोल। ठीक है, तो मोल एक यूनिट होती है नंबर ऑफ सब्सटेंस की। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को हमने उसकी यूनिट दे दी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में मास की यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, आप कोई भी मास को मेजर करते हो, उसको किस में मेजर करते हो, किलोग्राम के अंदर मेजर करते हो। उसी तरीके से हमने नंबर ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करना स्टार्ट कर दिया, मोल में मेजर करना स्टार्ट कर दिया। तो मोल एक ऐसा यूनिट है, क्या है, इट इज़ ऐसा यूनिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोल, और ये किसके लिए होती है, नंबर ऑफ सब्सटेंस के लिए। नंबर ऑफ सब्सटेंस कि आपके पास में कितना सब्सटेंस है, उसको आप किस में मेजर करोगे, उसको आप मोल में मेजर करोगे। अभी कितना होता है एक मोल के अंदर, जैसे 1 किलोग्राम के अंदर कितना होता है, 1000 ग्राम्स होता है। राइट, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम्स, वैसे ही एक मोल के अंदर कितना नंबर ऑफ सब्सटेंस होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, इसकी जो सिंबल होता है, मोल का सिंबल होता है, जैसे सबका सिंबल होता है ना, किलोग्राम का हम के जी से लिखते हैं, ठीक है, ग्राम का हम जीएम से लिखते हैं, तो वैसे ही मोल को हम लिखते हैं MOL। कहीं भी आपको MOLE लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब वो मोल को कंसिडर कर रहा है, यानी वो यूनिट नहीं है। लेकिन जब भी हम यूनिट लिखेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जब लास्ट में जब आंसर आएगा कि हाँ इसमें इतने मोल्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, MOL लिखेंगे। ये प्रेजेंट करता है इसके यूनिट को। ठीक है, ये इसका सिंबल है, ये इसका पूरा नाम है। राइट, सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मोल, एक मोल के अंदर कितना होता है। 1 मोल जो होता है उसमें नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कितने होते हैं वो हम बात करें, तो एक मोल में आपके पास में कितने होते हैं, 6.023 × 10³, इतने क्या होते हैं आपके पास में सब्सटेंस होते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हो पार्टिकल्स होते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो इतनी एंटिटीज होती है, यानी एक मोल में कितनी होती हैं, 6.023 × 10³ सब्सटेंसेज होते हैं, एंटिटीज होती है, या फिर आप बोल सकते हो पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, ये आपके मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जब हम मोलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, तो हम मोलिक्यूल यूज़ करेंगे। ये आपके आयंस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आपके प्रोटॉन हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये जो भी पार्टिकल है वो मेनली इतने हो सकते हैं। ठीक है, ये जो भी क्लासिफिकेशन है, या फिर जो भी ये यूनिट का जो सिस्टम है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। ठीक है, हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, सॉरी, हाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल है। माइक्रोस्कोपिक लेवल की अगर हम बात करें, तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी सारी चीज़ें होगी। जब हम छोटी एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं, छोटी एंटिटीज़ इन द सेंस एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनका हम मास जो है वो किलोग्राम के अंदर मेजर नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो वेट मशीन है, उस वेट मशीन के अंदर सोडियम का आइटम रखा और सोडियम का आइटम की उसका जो है मास आ जाएगा किलोग्राम्स के अंदर, तो हम वैसे उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ये स्मॉल एंटिटीज़ होती है, बहुत ही स्मॉल एंटिटीज़ होती है, वेरी स्मॉल है, इसीलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम रखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर। ठीक है, तो ये जो भी यूनिट सिस्टम है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, जिसमें नंबर ऑफ सब्सटेंसेज जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। ठीक है, अब देखो, ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अवोगैड्रो, ठीक है, एमिडो अवोगैड्रो, उसके रिस्पेक्ट में दिया गया था इसका नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। अब ये जो अवोगैड्रो नंबर है, ये कैसे डिराइव किया गया था उसको हम देखते हैं। सो देखो, सबसे पहले हमारे पास में कोई भी सब्सटेंसेस हो, ठीक है, कोई भी एंटिटीज़ हो, उसमें जो भी एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे किसके, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के इक्वल होंगे, यानी 12 ग्राम पर मोल होंगे, 12 ग्राम पर मोल ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के इक्वल होंगे।
ठीक है। अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको हम डिवाइड करते हैं कार्बन 12 के एक एटम के मास से, ठीक है। अब देखो वैसे तो हम एक एटम का मास निकाल नहीं सकते थे उस टाइम, जब अभी हम निकाल सकते हैं, अभी हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, उससे हम एटम का एग्जैक्ट जो है उसका मास निकाल सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में एक एग्जैक्ट जो है वो सॉरी एक नियरली इक्वल टू जो वैल्यू आई वो आई 1.99 × 10²⁻²³ ग्राम, ठीक है, ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी एक कार्बन 12 एटम का जो वेट है ग्राम्स के अंदर वो इतना आता है, ठीक है। और ये है वो जो कि आपके पास में कोई भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उसमें जो भी एंटिटीज है उसका जो है मास वो किसके इक्वल होगा, हमेशा कार्बन 12 के इक्वल होगा। वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे जो हम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एटॉमिक मास को डिसाइड किया गया था, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, मोल। अब देखो जब हम इसको पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में एक वैल्यू आएगी, इसको हम बोलते हैं 0.23 × 10²³। ये वैल्यू हमारे पास में आती है, तो इस तरीके से अवोगाद्रो जो नंबर है वो डराइव किया गया था। उस पूरा डेरिवेशन का तो मतलब नहीं है, बस इतना सा याद रखना, बाकी आपसे कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोलना है, वन मोल के अंदर नंबर ऑफ सब्सटेंस कितने होते हैं, इतने होते हैं। अब सपोज करो आपको बोला जाता है कि वन मोल एटम है, वन मोल क्या है एटम्स, तो आपके पास में एग्जैक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 6.023 × 10²³ एटम्स होंगे, राइट। अगर आपसे बोला जाता है वन मोल मॉलिक्यूल है, तो वन मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, राइट। अब देखो ये नंबर जो है हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसको हमने एक सिंबल दे दिया, इसको हमने सिंबल क्या दिया, Na, ठीक है, अवोगाद्रो नंबर। इसको हमने क्या नाम दिया, अवोगाद्रो नंबर, जिसका सिंबल है Na। तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे। सपोज आपसे पूछा जाता है वन मोल आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 1 Na इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 6.023 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, 8%। जैसे सपोज आपके पास में कुछ भी ले सकते हैं, वन मोल आपके पास पेन है, ठीक है, वन मोल आपके पास में क्या है, पेन है, तो इसका मतलब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ पेन है 6.023 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से मोल को हमने डिराइव किया और एक यूनिट के नाम यूनिट बनाया उसको, ताकि हम नंबर ऑफ सब्सटेंस को उसमें मेजर कर सकें, राइट। अब देखो ये जो होता है नंबर, इतना नंबर काउंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हमने क्या किया, एक सेट बना करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाता है कि आपके पास में इतने कॉइन्स हैं, राइट, तो इतने कॉइन्स को काउंट करने के लिए आप क्या करोगे, एक एक कॉइन्स को तो हम नहीं गिन सकते, तो हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स लेंगे, उस बॉक्स के अंदर स्टार्टिंग में उसमें कॉइन अरेंज करेंगे, ठीक है, और उस टाइम गिनते जाएंगे। तो सपोज करो एक बॉक्स के अंदर 500 कॉइन आते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको गिनने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप सीधा उसमें कॉइन्स डालोगे, एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट तो वैल्यू नहीं आएगी, बट 500 अपन मान के चलते हैं, तो हर बार 500 करके हम इसको काउंट करते हैं। तो ये सिंपल मेथड हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमने मोल को यूज़ किया। कितना, अगर आपके पास में इतने एटम्स या फिर इतनी कोई भी एंटिटीज है या फिर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम किस में कंसिडर कर देंगे, वन मोल के अंदर कर देंगे। तो ये मोल का डेरिवेशन है, मोल की, ठीक है, इस तरीके से मोल को क्या किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। आपसे कोई भी पूछा जाता है वन मोल, जैसे सपोज आपके पास में वन मोल कार्बन है, ठीक है, वन मोल कार्बन एटम है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6.023 × 10²³ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल को डिसाइड कर सकते हैं। आपसे जब भी पूछा जाता है वन मोल कितना होता है, जैसे वन किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, वैसे ही वन मोल्स में कितने सब्सटेंस होते हैं या कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने होते हैं, 6.023 × 10²³, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अवोगाद्रो नंबर नाम देते हैं, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, MOL होता है, ये SI यूनिट होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जिस ये एक फंडामेंटल यूनिट भी है। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में कुछ नहीं पता है तो यूनिट कन्वर्जन का वीडियो बना रखा है, आप उसको जा करके देख सकते हो। 7 टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स होती है, फिर कुछ टाइप की, फिर उससे हम क्या करते हैं, डेराइव टाइप की यूनिट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जो मोल है वो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, और ये किसके लिए डेराइव की गई है, नंबर ऑफ सब्सटेंस के लिए, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है, और भी जो भी बेसिक चीज़ें होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मोल सिर्फ और सिर्फ कितना है,
वन मोल इक्वल्स टू 0.6.023 × 10³ राइट। आप इसको कॉपी करो फिर हम आगे चलते। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास सिंपल सा है, मास ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ एन एटम, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग जब हुई थी, जब हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे, मतलब जब हम मोल कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, मोल को स्टडी कर रहे थे, फिर धीरे धीरे नई नई चीज़ें जो है वो डिस्कवर की गई थी, ठीक है, नई नई चीज़ों पर वर्क कर रहे थे। तो उस टाइम क्या है, उस टाइम एटॉमिक मास जो है वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता था किसी भी एटम का, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिसाइड करते थे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिसाइड करते थे, क्योंकि हाइड्रोजन का मास होता था 1, ठीक है। हाइड्रोजन का हमने मास माना, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने फिर जितने भी उस टाइम डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसका हमने क्या किया, एटॉमिक मास डिसाइड किया। जैसे सपोज अपन कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, सो हाइड्रोजन का हमें पता है कार्बन, हाइड्रोजन का कितना था, 1 होता है, ठीक है। तो उसका हमने पोजीशन देख के, उसमें वो सब चीज़ें देख करके हाइड्रोजन को उसे मल्टीप्लाई करके उसका एटॉमिक मास निकाला, तो उसमें हमें पता चला कि उसका होता है 12, ठीक है, पॉइंट समथिंग भी होता है बट हम कैलकुलेशन के लिए 12 मान करके चलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एटॉमिक मास को क्या किया, डिसाइड किया। बट फिर क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड सिस्टम आया, उस स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये तो ओल्ड सिस्टम था, ठीक है, फिर इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, फिर हमने एक स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास को डिसाइड किया था। वो क्या था, वो था कि हमने कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 का एक एटम लिया, ठीक है, ये आपके पास में कार्बन 12 एटम है। कार्बन 12 एटम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी परसेंटेज अकरेंस जो होती है, ठीक है, इन यूनिवर्स वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम कार्बन 12 एटम को यूज़ करते हैं। कार्बन 12 एटम का हमने 1/12 पार्ट किया, 1/12 पार्ट ऑफ या मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। इसको हमने कार्बन का एटम लिया और उसका जो भी मास था उसका हमने कितना किया, 1/12 मास किया, ठीक है। फिर जो भी उसकी वैल्यू आई हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उससे हमने मल्टीप्लाई करके उसका जो है एटॉमिक मास जो है वो निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम वो आती है आपकी 1.66 × 10⁻²⁴, ये आती है आपकी वैल्यू, ठीक है, ग्राम्स में, ठीक है। और इसी को हमने क्या नाम दिया, इसी को हमने नाम दिया था एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं, ठीक है। यानी 1 AMU की अगर हम बात करें, 1 AMU कितना होता है, 1 AMU होगा 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, ठीक है। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितना होगा, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम होगा, राइट। तो इसी से हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एटॉमिक मास को निकालना स्टार्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ठीक है। तो जैसे देखो हाइड्रोजन का अगर हम देखें, तो हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास वो हमें पता था पहले कितना था, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम्स के आसपास, ठीक है। ये अभी AMU के अंदर नहीं है, हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं AMU के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, ये जो नंबर आया है जो कि किसके इक्वल है, जो कि 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम के इक्वल है, इसको हम यहाँ डिवाइड कर देंगे × 10⁻²। ग्राम्स, ग्राम से ग्राम सोल हो जाएगा, ये सोल हो जाएगा, ये सोल हो जाएगा, तो आएगा कितना, 1.008 AMU, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी एटम के लिए या किसी भी एलिमेंट के लिए, एटम की अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। किस में होता है, AMU के अंदर बोलते हैं वो 1। बाकी ग्राम्स के अंदर हम बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, ग्राम्स के अंदर हम बोलेंगे 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, जबकि हम बोलते हैं हमेशा किसके अंदर, AMU के अंदर बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन का, क्लोरीन का हम किस में बोलते हैं, 35.5 के आसपास बोलते हैं ना, AMU के अंदर बोलते हैं वो सब चीज़ें। तो इस तरीके से क्या किया गया था, इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स का, अलग अलग एटम्स का एटॉमिक मास जो है वो डिसाइड किया गया था, AMU के अंदर कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। ग्राम्स के अंदर तो हमें पहले ही पता था, फिर हमने एक नई यूनिट डिस्कवर की जिसका नाम था AMU, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। पहले हम AMU यूज़ करते थे, अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, AMU रिप्लेस हो गया U से, ठीक है। AMU किससे रिप्लेस हो गया, AMU किससे रिप्लेस हो गया, U से रिप्लेस हो गया,
इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो अब हम एम यू यूज़ नहीं करके हम क्या यूज़ करेंगे, यू यूज़ करेंगे। इसका मतलब एक हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है, ठीक है, जिस मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.008 U, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1 U, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एटॉमिक मास को डिसाइड किया था। वैसे अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, ठीक है, तो एटॉमिक मास हम कैसे डिसाइड करते हैं उसकी हम बात करते हैं कि एक्चुअल में एटॉमिक मास हम किन किन कौन कौन से ऐसे एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम डिसाइड करते हैं। देखो हमारे पास में इस तरीके से एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है XZA, ठीक है। बेसिकली जब आप आगे हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको पता चलेगा ये एग्जैक्टली एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, बट हम उस साइड नहीं जा रहे हैं। हम सीधा सीधा आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इस तरीके से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक्स जो होता है वो क्या होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, राइट। और आपका ए होता है एटॉमिक वेट। देखो एटॉमिक वेट केमिस्ट्री के अंदर हम एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास को इक्वली ही कंसिडर करते हैं, जबकि अगर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो फिजिक्स में मास और वेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। फिजिक्स में हम मास को और वेट को दोनों को अलग लेकर के चलते हैं, जबकि अगर हम केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो हम नियरली इक्वल ले सकते हैं। मास की जगह वेट भी यूज़ करते हैं कई बार, और वेट की जगह कई बार मास भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फिजिक्स के पॉइंट से बात करें तो थोड़ा ये कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास भी यूज़ कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, या फिर मास भी यूज़ कर सकते हैं, वेट भी, ठीक है। फिर आपके पास आता है जेड, जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। देखो ए जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक वेट जो होता है वो किससे डिसाइड करते हैं, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये आपका एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बेसिकली ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट फिर भी इन जनरल आपको पता होना चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। तो डोमिनेट कौन कर जाता है, प्रोटॉन डोमिनेट कर जाता है, तो इस पूरे न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। इसका इन दोनों का जो मास होता है इसको हम कंसिडर करते हैं किसके अंदर, एटोमिक वेट के अंदर कंसिडर करते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को इसलिए हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी काउंट नहीं करते, ठीक है, इसलिए। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आ भी सकता है और निकल भी सकता है। तो अगर हम सपोज इलेक्ट्रॉन का ले लें, ठीक है, तो अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है आपके पास में, या फिर नेगेटिव एटम है या फिर पॉजिटिव एटम है, तो उस तरीके से जो है एटॉमिक वेट जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे सपोज कार्बन का अगर हम बात करें, कार्बन का, तो कार्बन के ऊपर 12 लिखा जाता है और नीचे 6 लिखा जाता है। 6 का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जो कि इसको किस में कंसिडर किए जाते हैं, एटॉमिक नंबर के अंदर हम कंसिडर करते हैं इसको, एटॉमिक वेट के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं, यानी उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है, 6 प्लस 6 12, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, एटॉमिक नंबर के अंदर कंसिडर करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को हम, या मास नंबर को हम किस में कंसिडर करते हैं, एटॉमिक वेट के अंदर कंसिडर करते हैं। अब देखो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास है, अब हम बात करते हैं AMU के रिलेशन की, ठीक है। एटॉमिक मास जो यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अब हम क्या बोलेंगे, यूनिफाइड मास, ठीक है, जिसका सिंबल है U। देखो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, एक तो ये इक्वल होता है, ठीक है। म्यू जो होता है, सॉरी म्यू क्या, यू, ठीक है, यूनिफाइड मास यू जो होता है वो किसके इक्वल हो सकता है, 1/NA के इक्वल हो सकता है। यानी कई बार आपसे पूछा है यू की जगह 1/NA भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम सोल्व करेंगे, 1/ क्या आएगा, 6.023 × 10⁻², ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1.65 या 66 के आसपास आती है, −24 ग्राम, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास के बारे में पता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के,
तो वन एम यू या फिर जो यू होता है वन यू वो कि किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका 1.67 या 66 के आसपास लिख लो, इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हो आप इसको। और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.65 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जीरो आपको बढ़ाना बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो 9.01 या फिर 9.1 के आसपास होता है इंटू 10 की पावर -31 होता है, 31 ग्राम्स। ठीक है, तो ये बहुत ही कम होता है इसके रेस्पेक्ट में, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं करते हैं एटॉमिक मास के अंदर, हम सिर्फ और सिर्फ किसका कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम से मूव भी कर सकता है और अंदर भी आ सकता है एटम के। ठीक है, जबकि प्रोटॉन ना किसी एटम को छोड़ करके जाता है ना दूसरे एटम के अंदर वो एंटर करता है। ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहता है एक एटम के अंदर, राइट। उसकी कभी भी नंबर ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके नंबर इंक्रीज हो सकता है, कैटायनिक बना सकता है, एनायनिक बना सकता है, इस तरीके से, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास यूनिट का, राइट। आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में या फिर मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तब हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, ठीक है, क्या होता है मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो है मास वो क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। जैसे सपोज अगर हम बात करें कि आपके पास में हीलियम है, ठीक है, तो हम बात करें मास ऑफ वन हीलियम एटम, वन हीलियम एटम तो कितना होता है हमें पता है, वो होता है 4। ठीक है, अब यूनिट क्या आएगी, यूनिट आप एम यू भी लिख सकते हो, अभी भी चलता है एम यू, या फिर आप इसको यू भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सपोज आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, तो आप क्या करोगे, एम यू की वैल्यू लिख दोगे, कितना आएगा 4 × 1.6 × 10 की पावर कितना आ जाएगा -24 ग्राम्स। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, या फिर अगर आपको इसको एनए के टर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 4 × एम यू कितना क्या होता है, एम यू होता है एम यू इक्वल टू 1/NA। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/NA, तो ये आ जाएगा 4/NA। ठीक है, यानी कितने टाइम्स होता है, ये होता है कार्बन 12 के 1/12 मास का 4 टाइम होता है। ठीक है, हम एम यू की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 भी लिख सकते हैं, यानी वो उसके 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये फर्स्ट है, फिर सेकंड आता है आपके रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, और दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। देखो ये तो होता है मास ऑफ वन एटम और ये होता है मास ऑफ वन मोल एटम। क्या होता है, एक मोल एटम का जो मास होता है उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास। जब भी ग्राम एटॉमिक मास लिखा होता है तब हम मोल का मास कंसीडर करते हैं, जब भी रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा होता है तब हम वन एटम का मास कंसीडर करते हैं, राइट। सो सपोज देखो आप लोग कि आपके पास में हीलियम का ही लेते हैं, तो हमारे पास में है मास ऑफ वन हीलियम एटम, हीलियम एटम का कितना है 4 AMU, जिसको हम किस में लिख सकते हैं 4/NA के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मास ऑफ वन मोल हीलियम एटम, तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास में एक एटम का मास है और आपको वन मोल के लिए लिखना, तो हमें पता है कि वन मोल किसके इक्वल होता है, वन मोल इक्वल होता है 1 NA के। ठीक है, तो हमारे पास में एक एटम का है तो हमें एक मोल का निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल कितना होता है, 1 NA होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 NA इंटू में क्या कर देंगे, NA कर देंगे, तो NA से NA कट जाएगा, तो कितना आएगा 4। इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है उसमें हम ग्राम यूज़ करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होती है उसमें हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, AMU यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही ये पूरा का पूरा रिलेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास। ठीक
ठीक है। जब भी आपको ग्राम टर्म यूज मिले, ग्राम का मतलब होता है उस एक पर्टिकुलर मोल की बात हो रही है, ठीक है। और ग्राम यूज नहीं करें तो पर्टिकुलर एक एटम के मास की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, राइट। तो कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 AMU होता है। AMU यानी रिलेटिव एटोमिक मास, ठीक है। ये आपका है रिलेटिव एटोमिक मास। एक आएगा आपका ग्राम एटोमिक मास, ठीक है। तो ये आएगा 1 ग्राम। जैसे सपोज आपको नाइट्रोजन का करना है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 AMU, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 ग्राम। जैसे आपको क्लोरीन का करना है, तो क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 AMU। ये कितना हो जाएगा, 35.5 ग्राम, ठीक है। आपको सोडियम का करना है, सोडियम का कितना होता है, 23 AMU। ये कितना हो जाएगा, 23 ग्राम्स, ठीक है। फॉस्फोरस का करना है आपको, सपोज फॉस्फोरस का होता है 32 AMU। फॉस्फोरस 31 होता है, सल्फर का कर लेते हैं 32 है ना, सल्फर 32, सल्फर का होता है 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32 ग्राम्स। जैसे सपोज आपको सिल्वर का करना है जी, तो ये होता है 108 AMU। तो ये कितना आ जाएगा, 108 ग्राम्स। तो इस तरीके से आपको कुछ जो एटम्स हैं उनका आपको रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास याद रखना है। याद तो आपको एक ही चीज़ करनी है, बस आपको यूनिट चेंज करनी है। जब ग्राम एटॉमिक मास की बात आती है तब हम यूनिट ग्राम के अंदर यूज़ करेंगे, जब रिलेटिव एटॉमिक मास की बात आती है तब हम यूज़ करेंगे AMU या फिर U यूज़ करेंगे, राइट। तो ये सिंपल सा फंडा है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, सॉरी रिलेटिव एटॉमिक, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस करते हैं। आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सिमिलर होता है रिलेटिव एटॉमिक मास के, मास ऑफ वन मोल, सॉरी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इसका कितना होगा, इसका होगा 32 AMU। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको आप Na के टर्म में भी लिख सकते हो, 32/Na/Na, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म। सेकेंड है आपका रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये आपका होता है मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या होता है, वन मॉलिक्यूल का मास होता है, ये होता है आपका वन मोल मॉलिक्यूल का मास। तो जैसे सपोज आपके पास में 1 O2 का मास कितना है, 32, तो 1 mol O2 का कितना आ जाएगा, ये AMU, या फिर उसको लिखेंगे हम 32/Na, तो ये आ जाएगा आपका 32/Na। एक मोल किसके इक्वल होता है, Na के इक्वल होता है, Na से स्मॉल हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट यूज़ करेंगे ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो हम यूनिट यूज़ करेंगे एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। नेक्स्ट लास्ट अगर हम बात करें थर्ड, वो आता है आपका एवरेज एटॉमिक मास, जो कि इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। सो देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसका अगर आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं एक से ज़्यादा, तब हम उसका यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम एग्जांपल लें क्लोरीन का, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसके एटॉमिक मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है। क्लोरीन का होता है 17, इसका भी होता है 17, ये होता है आपका 35 और ये होता है आपका 37, दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज अक्रेंस की या परसेंट या फिर रिलेटिव एबिडेंस की बात करें, तो देखो इसका होता है 75% और ये होता है आपका 25%, यानी सबसे ज़्यादा जो अक्रेंस है वो इसकी होती है, फिर इसकी होती है। अब हमें एवरेज निकालना है, क्या चीज़ निकालनी है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। आपके पास में जितने भी आइसोटोप्स हैं उसको यूज़ करो, A1X1+A2X2, हमारे पास में दो है तो हम दो यूज़ करेंगे, अगर तीन होते तो हम यहाँ पे तीन कर देते। A1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास को। X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, X रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज अक्रेंस को, ठीक है। सो देखो डिवाइड करेंगे इसको X1+X2 से, तो ये क्या आ जाएगा, A1 कितना है 35, इनटू करेंगे X1 कितना है 75, प्लस करेंगे A2 कितना है 37, इनटू करेंगे 25, अपॉन में क्या आएगा 75+25, ये आएगा इक्वल टू 35.5 ग्राम, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हम क्लोरीन का जो एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं वो कितना करते हैं,
35.5 करते हैं तो वो होता है आपका एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि उसके आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके भी आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं तो उसका हम एवरेज एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जो बेसिक लेक्चर था आज का। ठीक है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कि मोल्स क्या होता है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कुछ जो टर्म्स हैं मोल के मोल से रिलेटेड वो हमने देखे थे। राइट, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मोल से वेट, वॉल्यूम और नंबर ऑफ सब्सटेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनका रिलेशन किस तरीके से हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।